हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बीट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर implies that x, z belongs to R। ये डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है कि अगर कोई रिलेशन है जो कि डिफाइंड किया गया है सेट A, यानी कि A क्रॉस A में डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कब? जब x, y, z ये तीनों एलिमेंट बिलोंग करें किसमें? सेट A में। यदि उसमें भी x, y जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, एंड कॉमा एंड वाई कॉमा जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर कुछ ऐसा है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, वाई कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। कहने का क्या मतलब है कि ये जो एक्स है और वाई है, अगर एक रिलेशन में है, वाई कॉमा जेड एक रिलेशन में है, तो एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। ओके, बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है, ठीक है। अगर ये बन रहा, अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि x, y दिया है, ठीक, y, z भी अवेलेबल है, तब हम देखेंगे कि x, z बिलोंग कर रहा है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तब भी तब हम टेस्ट करेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। अगर ये दिया है और ये भी दिया है तो हम देखेंगे कि x, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन में या नहीं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों आने के बाद भी अगर ये चीज़ नहीं आ रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये दोनों अवेलेबल हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट भी, यानी कि थर्ड ये वाला जो x, z अवेलेबल है, तो मैं उस क्या कहूँगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब जैसे कि फाई में तो ये x, y की बात ही नहीं हो रही है, x, y की बात तो हो नहीं रही है फाई में, तो यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे? कुछ भी चेक नहीं करेंगे। जब चेक करेंगे नहीं तो सिंपली हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेक करने का है ही नहीं, ठीक है। x, y, z जैसा कुछ रिलेशन है ही नहीं इसमें, क्योंकि वो फाई है, एम्प्टी है, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इसमें कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ए क्रॉस ए, सपोज़ करिए ए क्रॉस ए है, तो अगर कोई ए में कोई एलिमेंट है 1, 2, तो a क्रॉस a बनाऊंगा तो क्या आएगा? 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2। अब मैं इसको करता हूँ तो 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, ये आपका रिलेशन बनेगा, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। और इसी का क्या कह रहा है कि वो एक रिलेशन में है। अब पूछ रहा है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, कैसे चेक करेंगे? अब देखिए x, y के फॉर्म में 1, 2, 1, 1 है, हाँ। अब देखिए कि ये 1 है, कहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये अगर ये x है और ये y है, तो देखिए ये जो y की वैल्यू यहाँ 1 है कहाँ है, यहाँ पर है y, z, यानी कि ये इससे कनेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए x और z नाम से, यानी कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं इस रिलेशन में। 1, 2 है, ऑफ कोर्स ये 1, 2 है, ये है, बिल्कुल है। अच्छा, आगे बढ़िए, दूसरा चेक करिए, सारे चेक करने होंगे, ठीक है। 1, 2, ठीक है, 1, 2 हो गया। अब 1, 2 इससे, अब देखिए और कहीं y है, यानी कि वैल्यू जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये जो y की वैल्यू 1 है, देखिए और कहाँ है y की वैल्यू 1, y, z, y की x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है दूसरे वाले को। चलिए इसका हो गया, अब इसका देखिए 1, 2 का देखिए, 1, 2 ये y है, अब देखिए कहाँ 2 है, फर्स्ट में 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी कि इसको और इसको मिलाते हैं, ठीक है, 1, 2, 2, 1, ठीक है। तो देखिए ये x हो गया इसके लिए और ये y हो गया, और ये सेकंड वाले में y ये हो गया और z ये हो गया। अब चेक करिए कि ये दोनों इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तब देख चेक करिए कि x, z, x, z क्या है, 1, 1। अब देखिए है कि नहीं रिलेशन में, 1, 1 है, ऑफकोर्स, ठीक है। अब देखिए और 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। अब इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 2, 2, ठीक है, x, y, z। अब देखिए ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इससे, तो देखिए x और z हैं या नहीं, यानी कि 1, 2 है या नहीं। 1, 2 है, बिल्कुल है, रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक। अब 2, 1 इसके लिए देखते हैं, 2, 1
टू कमा वन, टू कमा वन के लिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखिए वन कहाँ कहाँ है, वन यहाँ है फर्स्ट में, वन यहाँ है फर्स्ट में, वन यहाँ है, वन यहाँ है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को लूँ, टू कॉमा वन पहले इसको लेता हूँ, वन कॉमा वन, ठीक है। और देखिए ये वाई और ये वाई कनेक्ट कर रहा है, तो देखिए टू और वन बिलोंग करते हैं रिलेशन में, टू वन बिल्कुल करते हैं, ओके। अब क्या बचा, ये बचा टू कॉमा वन के साथ वन कॉमा टू करते हैं, ये और ये वाई कनेक्ट कर रहा है, और देखिए क्या टू और टू एक्स और एक्स, ये वाई हो ना, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, वाई वाई से कनेक्ट हो गया। अब देखिए क्या एक्स और जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, एक्स और जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, यानी कि टू कॉमा टू बिलोंग करता है, ऑफकोर्स करता है, टू कॉमा टू हो गया। अब क्या बचा टू कॉमा टू, अब देखिए टू कॉमा टू हो गया, टू कॉमा टू में अब देखिए क्या चेक करेंगे, टू कॉमा टू में देखिए कहाँ कहाँ टू है, सिर्फ इसमें टू है, ठीक है, जिससे कनेक्ट हो रहा है वाई और वाई से, ठीक है, ये और ये वाई है, ठीक है, वाई वाई कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, इससे इससे कनेक्ट हो गया, तो टू कॉमा वन अवेलेबल है, यानी कि एक्स और जेड अवेलेबल है ये दोनों, ठीक है, ये एक्स हुआ ये जेड हुआ, टू कॉमा वन अवेलेबल है, ऑफकोर्स अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए क्रॉस ए क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिमिलरली वन कॉमा टू, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, ये यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई, और ये क्या हो गया वाई जेड, तो अब देखिए एक्स और जेड अवेलेबल हैं, यानी कि वन कॉमा थ्री अवेलेबल है, ऑफकोर्स अवेलेबल है। अच्छा फिर क्या है, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री, अब थ्री क्या है वाई है, अब देखिए वाई में फर्स्ट फर्स्ट वाले उसमें एक्स की वैल्यू थ्री कहाँ पर है, कहीं नहीं है, तो इसे करने की सर्च देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब कहीं मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री, अब देखिए थ्री कहाँ कहाँ है, थ्री फर्स्ट में है, फर्स्ट फर्स्ट जिससे कनेक्ट कर सकें वाई की वैल्यू, ये थ्री की वैल्यू वाई है, अब मैं कनेक्ट किससे करूँगा, जिसके आगे में थ्री होगा, यहाँ कहीं है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, नहीं कनेक्ट कर सकते, जब कुछ है नहीं तो यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। और कुछ बचा, और क्या बचा, वन थ्री हो गया, हो गया, मतलब कि और कुछ तो मिला नहीं, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है। वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, कहीं कनेक्ट हो सकता है, वन वन से वन वन, इन दोनों में कहीं कनेक्ट नहीं होगा, वाई की वैल्यू वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, नहीं कनेक्ट हुआ, टू है यहाँ थ्री है, यहाँ वन है, नहीं कनेक्ट हुआ, थ्री है यहाँ टू है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, कहीं भी कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा है, कोई चीज़ किसी से कनेक्ट नहीं हो रही है। हमारी जो सेकेंड वैल्यू है, यानी कहने का क्या मतलब है, एक्स कॉमा वाई अगर आ रहा है, हाँ, और वाई कॉमा जेड भी बिलोंग, जेड भी बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट जो सेकेंड वैल्यू है वाई की, और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसकी जो वाई वैल्यू है, इन दोनों को मैच करा के कनेक्ट करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे और एक्स और जेड को सर्च करेंगे, ठीक है। तब अगर मिल गया तब तो भाई हम कहेंगे कि हाँ ट्रांजिटिव है, हाँ। और अगर हम फर्स्ट ही मिला और हम सर्च कर रहे हैं कि वाई कभी कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वाई अगर कहीं नहीं मिलता है, और जब कहीं नहीं मिलता है तो टेस्ट किया ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम लोग उसे बिना कुछ बोले देखे हम लोग बोल देंगे वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है, वाई कॉमा जेड भी बिलोंग करता है, और हमें एक्स कॉमा जेड नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, वन कॉमा वन, तो यहाँ पे तो हम लोग सर्च कर चुके थे, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, हम ये सर्च कर रहे हैं, वन कॉमा टू, अब देखिए वन कॉमा टू दिया है, और टू कॉमा थ्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाई और वाई की वैल्यू कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या वन थ्री अवेलेबल है, वन थ्री अवेलेबल है, ऑफकोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सेकेंड वाले पे, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा थ्री, देखिए थ्री कहाँ पे है फर्स्ट में, थ्री वन है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, यानी कि इससे कनेक्ट होगा थ्री कॉमा वन। अब देखिए अगर थ्री इससे कनेक्ट हो रहा है तो टू कॉमा वन अवेलेबल है या नहीं, टू कॉमा वन है, टू कॉमा वन, टू कॉमा वन नहीं है, टू कॉमा वन नहीं है, यहीं पे हम बोल सकते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक, आया समझ में। चलिए वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, अब यहाँ पे कुछ कंपेयर करने का है वन कॉमा वन से, कुछ भी कंपेयर करने का नहीं है, जब कुछ भी कंपेयर करने का नहीं है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, इस ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कंपेयर करने का है ही नहीं, हाँ, तो सिंपली मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ए कॉमा बी सी कॉमा डी, अब यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है कि अगर ए है बी है, अब बी देखिए यहाँ कहीं बी है, किससे कनेक्ट कराएंगे कोऑर्डिनेट, जिसमें फर्स्ट में बी हो, यहाँ कहीं है नहीं है,
ना ही सी है, यहाँ कहीं ए, ए यहाँ पे तो ए है, सी कोई और दिया भी नहीं है, ना यहाँ से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं या ना ही यहाँ से कुछ कनेक्ट हो पाएगा। तो जब कोई चीज़ चेक करने का है ही नहीं तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, यहाँ पे क्या है, 1,2 रिलेशन, 1,2 2,1 है, तो आप चेक करिए 1,2 2,1 क्या है, क्या रिलेशन में है। देखिए 1,2 दिया गया है और 2,1 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 1,2 है, ये से कनेक्ट कर रहा है, क्या x,z है, 1,1 बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम चेक करते हैं इसको और इसको। सपोज़ करिए कि 1,1,2 दिया गया है और 2,1 दिया गया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 1,1 से कनेक्ट होना हो गया है, तो 2,2 है, क्या 2,2 है रिलेशन में, नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि, अब देखिए अब बात आती है कि अब समझ में आ गया कि क्या होता है ये ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर से मैं एक बार कर देता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि अगर x,y कोई चीज़, कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो x,y कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं अगर रिलेशन में, तो y,z भी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो मुझे क्या चेक करना है कि x,y y,z इन दोनों से कनेक्ट कर लीजिए इन दोनों को, और चेक करिए कि x,z जो भी वैल्यू आ रही है वो बिलोंग कर रही है रिलेशन में या नहीं। ठीक, अगर अगर x,y बिलोंग करता है रिलेशन में, y,z बिलोंग करता है रिलेशन में, तो हमको चेक करना है कि x,z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, x,z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इन केस x,y बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में और y,z भी अगर बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे हमने टेस्ट करने का कुछ है ही नहीं कि ये है या नहीं है, तो मैं सिंपली वो हम लोग बोल देंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, जैसे phi के केस में हम लोगों ने बोला था। ठीक है, और अगर x,y है, y,z नहीं है, तो कुछ भी कंपेयर करने का नहीं है, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर x,y है, y,z नहीं है, तब भी हम लोग बोल सकते हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर x,y प्रेजेंट है, y,z प्रेजेंट है, तो y और y की वैल्यू से दोनों कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करेंगे और x,z बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं इसे सर्च करेंगे। और अगर x,z बिलोंग्स टू रिलेशन है, तब तो मैं कह दूंगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनने लगेंगे उसमें। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं आपके गेट के एग्ज़ाम्स में, या UGC में या किसी NILET में। हाँ, तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं निकाल लूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में कि एक सेट है ए 1,2, ठीक, और पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकल सकते हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें, इस छोटा सा सेट है इसलिए मैं लोग निकाल पा रहे हैं, क्या है कि 1,2 अगर आपको सेट दिया गया है। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इसको निकालने का क्या तरीका है कि 1,2 1,2 2,1 ये क्या है, जितने भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से जितने भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हैं उनको क्या करूँगा, मैं निकाल लूँगा और जो बच जाएंगे वो हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, बस यही सिंपल सा है, लेकिन ये छोटा सा सेट है इसलिए मैं आसानी से निकाल पा रहा हूँ। कैसे, देखिए 1,2 है, ए क्रॉस ए करूँगा तो इतने सारे रिलेशन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, उनमें से कुछ रिलेशन होंगे जैसे कि 1,2 2,1। ठीक है, अब ये चेक करिए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, 1,2 2,1, जैसे कि 1,2 है, 2,1 है। अब यहाँ से y और ये y कनेक्ट हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 और 1 बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं रिलेशन में, 1,1 नहीं बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ है 1,1 नहीं है, मैं सिंपली बोल सकता हूँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सेकंड, 1,2 2,1 ये 2 से 2 कनेक्ट हो रहा है, 1,1 रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए, 1,1 है नहीं है,
मैं बोल सकता हूँ नहीं है, ठीक है। 1,2, 2,1 क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखिए 2 से 2 कनेक्ट हुआ, 1,1 है रिलेशन में है, ओके ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या कि 2,1 ब्रैकेट 1,2, अब सपोज़ करिए 2,1 दिया हुआ है और 1,2 दिया हुआ है, अब ये 1 से 1 कनेक्ट हो गया, अब सर्च करिए कि 2,2 रिलेशन में अवेलेबल है या नहीं, 2,2 अवेलेबल है या नहीं, 1,2 2,1 1,1 नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये तीन रिलेशन ऐसे हैं जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर मैं जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालूं, उनमें ऐसे ये तीन ऐसे रिलेशन होंगे जो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से मैं ये तीन रिलेशन अगर हटा दूं, तो मुझे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन पता चल जाएंगे। तो करना क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं 2 to the power n square, उसमें से ये तीन रिलेशन माइनस कर दीजिए, 2 to the power n square, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट माइनस 3, जो तीन रिलेशन हैं माइनस करते हैं तो कितना आएंगे, 2 पे रख देंगे 2 to the power 4 कितना आएगा 16 माइनस 3 कितनी वैल्यू आएगी 13, ठीक है, आया समझ में। और जितना हम लोग सेट के नंबर बढ़ाते चला जाएंगे, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिलेशन बढ़ते चले जाएंगे, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम लोग को बहुत सारे केसेस बनने लगेंगे, तो हम लोग इसलिए इसको नहीं करेंगे अभी इस कोर्स में, ठीक है, ओके। तो ये था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में असिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चलिए।